हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अरहमद नाइजा व्लॉग्स। और आज हम बनाने जा रहे हैं मुरादाबादी तहरी। तो मुरादाबादी तहरी बनाने में क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए चलते हैं और देखते हैं कि मुरादाबादी तहरी किस तरह से बनाई जाती है। तो मम्मी आइए हमें बताइए मुरादाबादी तहरी कैसे बनती है। उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो बता देती हूँ। ये 3 बड़े कटे हुए टमाटर हैं, 2 चम्मच अदरक लहसुन, 8-9 हरी मिर्च जो हमने बीच में से 2 कर लिए, ये गादान के फूल हैं, ये लौंग है, ये काली मिर्च, ये 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, ये 2 तेज पत्ते हैं, 1 चम्मच जीरा है, 1.5 चम्मच इसमें पिसी हुई सौंफ जाएगी और एक बड़ी कटी हुई प्याज जो हमने, 1 कटोरी दही है, 1 कटोरी हमने इसमें काली दाल लेके भिगोई है जिसे मांस की दाल भी बोलते हैं, और ये 1/2 किलो चावल है हमारे राइस बासमती जो हमने आधा एक घंटा पहले भिगो के रख दी थी और अब हमने इसको यहाँ पे दिखाने के लिए आपको रख लिया। और अब चलते हैं हम पकाने की तरफ। ये हमारा 1 कटोरी इसके अंदर तेल है, सरसों का तेल लो, रिफाइंड लो, जो भी आप खाते हो घी लो। और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी प्याज और 1/2 किलो इसमें चिकन है, तो मैंने पानी में धो के निचोड़ के रखा था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। यह हमारा 1/2 किलो चिकन है, और अब हमारा इसमें जाएगा ये सब गरम मसाला। देखिए हमारी 1/2 कच्ची पक्की प्याज हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, अदरक लहसुन, हरी मिर्च और अपनी पिसी हुई सौंफ। और अब देखिए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल पिसी हुई मिर्च, क्योंकि ये चटपटी हो तभी अच्छी लगती है। 1 चम्मच भर के नमक और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के मिर्च का अचार। मेरा चम्मच छोटा है, आप साइज में थोड़ा बड़ा ले लीजिए और इसको सबको मिक्स करेंगे। और अब हमने जो ये दाल भिगो के रखी थी 1/2 घंटा पहले, अब हम इसमें 1 सीटी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पानी समीद डाल देंगे, क्योंकि चिकन में हमारे सीटी नहीं लगेगी क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाता है, दाल हमारी थोड़ी खड़ी है, तो इसलिए हम इसमें 2-3 सीटी लगाएंगे और फिर इसको इसमें चिकन डालेंगे। आइए इसमें दिखाते हैं सीटी लगा के कि इसकी क्या है, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। सीटी आ गई है, चिकन डाल के भुनेंगे। और 1 कड़क दही डालेंगे जो हमने बताई थी आपको।
अभी सर हमने इसमें दही और चिकन डाल दिया, अब हम इसे 10-15 मिनट पकाएंगे इसी पानी में, जिससे ये चिकन हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और जो भी मसाले हमारे इसमें सब चिकन में हो जाए। और फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए भाई, हमारा ये मसाला सारा भून के तैयार हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अपने चावल। दो गिलास और इसी पे हम इस टाइम इसका करेंगे नमक चेक कि इसमें नमक उमक कैसा है। हल्का सा नमक कम है तो मैं इसमें आधा चम्मच नमक डालूंगी, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और हम इसमें बस 2 ही गिलास पानी डालेंगे क्योंकि हमारे चावल भी काफ़ी देर के भीगे हुए हैं और हमें सिर्फ इसमें 2 सीटी लगानी है, 2 सीटी के लिए हमारे लिए ये पानी बहुत है क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, अगर कुकर में ना बनाते तो फिर ज़्यादा डालते। अब हम इसकी लगा रहे हैं ढक्कन और 2 सीटी आने तक का वेट करेंगे। देखिए गाइस, हमारी ये मुरादाबादी चिकन तहरी बनके तैयार है, अब हम आपको इसमें डिश में डाल के दिखाते हैं कि कैसी बनी है और कैसी लग रही है। किस तरह से हमने ये चिकन की तहरी बनाई है जो मुरादाबादी तहरी है, तो आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा हमें कमेंट्स करके कि आपको हमारी ये मुरादाबादी चिकन तहरी कैसी लगी।